नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लग्न के जातकों के लिए एक अच्छे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन की। दोस्तों तुला लग्न के स्वामी शुक्र बहुत शानदार सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन का कारक है, स्त्री वर्ग का कारक है, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन का भी कारक है, लड़कों की कुंडली में विवाह कारक है और तुला लग्न वालों के लिए यह लग्नेश भी है। यदि शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये तय है कि तुला लग्न वालों को ये सारी सुख सुविधाएं थोड़े से प्रयासों से ही उपलब्ध होनी शुरू हो जाती हैं। और यदि तुला लग्न के लिए लग्नेश शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये परेशानी का कारण है। शुक्र से संबंधित फलों में निरंतर कमी रहती है, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहता है, डायबिटीज, गुप्त रोग, ये समस्याएं शुक्र के द्वारा दी जाने वाली समस्याएं हैं। आज अधिकतर लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। डायबिटीज की तो चर्चा कर लेते हैं लेकिन गुप्त रोग के बारे में खुलकर बात भी नहीं कर सकते सामाजिक परिवेश की वजह से। दोस्तों तुला लग्न वाले जातकों को यदि उनके जीवन में परेशानी आ रही है तो उन्हें छमुखी रुद्राक्ष एक, चारमुखी रुद्राक्ष एक, सातमुखी रुद्राक्ष बीच में रखें। छमुखी रुद्राक्ष को एक तरफ रखें सातमुखी और एक तरफ रखें चारमुखी। इन तीनों रुद्राक्षों को गंगाजल से धो करके तुला लग्न वाले जातकों को विधि पूर्वक भगवान शंकर का ध्यान करके अपने गले में पहनना चाहिए और भगवान शिव से संबंधित सेवा पूजा करते रहना चाहिए। इससे इनके जीवन में तरक्की भी आनी शुरू हो जाती है और साथ ही चल रही परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए एक अच्छे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।